देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। खबर यह कि अपर्णा यादव जिस तरह बीजेपी से नाराज चल रही थी, योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही थी, उसके बाद अपर्णा यादव को लेकर बड़ा फैसला किया जा रहा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है। दरअसल 2024 की तैयारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी जोरों शोरों से करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें और ये माना जा रहा है कि कम से कम 75 या 78 सीटों पर बहुत अच्छी बढ़त उत्तर प्रदेश में भाजपा बना सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और अपर्णा यादव नाराज ना हो, अपर्णा पार्टी का साथ ना छोड़े, ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें देखने को मिला कई नए चेहरों को शामिल तो किया गया, लेकिन अपर्णा यादव को शामिल नहीं किया गया। जो अपर्णा यादव घर परिवार छोड़कर बीजेपी में आई, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई, उन्हें पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आई। तो हालांकि ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जो हैं उनकी अब बात है, उनको रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।